दोस्तों तो फाइनली किया इंडिया ने अपनी ऑल न्यू किया सोनेट का रिफ्रेश्ड वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये है किया सोनेट 2022 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नई सोनेट में आपको क्या नए चेंजेस ऑफर किए हैं। कल हमने बात करी थी किया सेल्टोस के नए मॉडल में किस तरीके से किया इंडिया ने सेफ्टी के मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया था, जहां आपको बेस मॉडल से 4 एयरबैग ही ऑफर कर रहे थे, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर दे रहे थे। लेकिन क्या वही सेफ्टी स्टैंडर्ड किया इंडिया की तरफ से किया सोनेट के लिए भी लिए गए हैं? क्या वही एक जो लेवल ऑफ सेफ्टी है वो आपको सोनेट भी दे पाएगी? तो हाँ, अगर आप एयरबैग्स की बात करें तो सोनेट में भी आपको बेस मॉडल में 4 एयरबैग ही ऑफर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। इन कंपैरिजन अगर आप पहले देखते थे आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स में मिलते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा अपडेट आया है। अगर आप कीमत की बात करें तो पहले के मुकाबले अभी 20,000 रुपये कीमत को बढ़ा दिया गया है अब। लेकिन अगर आप सारे फीचर्स को देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि किया इंडिया ने बहुत वैल्यू फॉर मनी काम करा है और काफ़ी अच्छा काम करा है। तो देखते हैं क्या सारे चेंजेस हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं चेंजेस की, तो टोटल इसमें 9 चेंजेस किए गए हैं, 9 एनहांसमेंट किए गए हैं, जिससे ये गाड़ी एक तरीके से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है इसके कंपटीशन के मुकाबले। अब इसका कंपटीशन कौन है? इसका कंपटीशन बनती है टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा की XUV300, उसी के साथ मारुति की जो नई ब्रेजा आने वाली है, जो कि अभी इस पूरे सेगमेंट को हिलाने के लिए तैयार है। जो मारुति एक प्रोडक्ट लाएगा, आप जानते हैं कि क्या आता है हर बार, इस बार कुछ अलग आने वाला है। बलिनो में भी हमने देखा है, इस बार भी जो किया इंडिया है पहले से ही अपनी लाइनअप को तैयार कर रही है, जिससे कस्टमर किया के शोरूम को छोड़ के मारुति सुजुकी के शोरूम पे ना जाए। तो वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप किया की अपनी नई सोनेट लेना पसंद करेंगे या फिर आप ब्रेजा में ही चले जाएंगे। वो आपकी राय में आप जानना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या क्या सारे चेंजेस हैं। यहाँ पर मैंने बात करी कि नए जो फीचर अनाउंसमेंट है टोटल 9 किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको पहले डुअल एयरबैग्स बेस मॉडल से दिए जाते थे, अब जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो साइड एयरबैग है, केवल साइड एयरबैग ये बढ़ाए गए हैं, तो अब आपको बेस मॉडल से भी 4 एयरबैग मिलेंगे। लेकिन जो कर्टेन एयरबैग है, जिससे टोटल 6 एयरबैग का सिस्टम होता, वो नहीं मिलेगा बेस मॉडलों में, तो वो एक अपडेट है। उसी के साथ जो लोग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि आपकी गाड़ी में कितनी हवा का प्रेशर है टायर्स में वो बता दे, वो भी आपको बेस मॉडल में दिया गया है। तो थोड़े से जो एक प्रीमियम फीचर हम समझते थे वो अब आपको बेस मॉडल में ही दिए जा रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड है और जिससे सेफ्टी बढ़ती है, वो अच्छी बात है। उसी के साथ एक जो थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि जैसे कल हमने सेल्टोस में देखा था कि उसमें बेस मॉडल में आपको VSM, ब्रेक असिस्ट और हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सारे सेफ्टी फीचर दिए गए थे। ESC भी दिया जा रहा था सेल्टोस के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि इसमें जो IMT वाले वेरिएंट्स है केवल उसी ही में ये वाले फंक्शन दिए गए हैं स्टैंडर्ड के रूप में। तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो कैसे ट्विस्ट आप ओपन कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो इसमें क्लियरली मैंशनड है जो आपकी जो नई सोनेट है उसके अगर आप ESC फंक्शन लेना चाहते हैं, VSM लेना चाहते हैं, ब्रेक असिस्ट लेना चाहते हैं या फिर हिल असिस्ट कंट्रोल, ये एज स्टैंडर्ड है ऑन IMT ट्रिम्स। तो वो क्या चीज़ है और क्या जो आपकी नई सोनेट है उसमें IMT ट्रिम्स ही इनकी स्टार्टिंग वेरिएंट है, वो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर आप चाह रहे थे कि आपकी गाड़ी में पूरे पूरे 6 एयरबैग मिल जाए, तो आपको कितना ऊपर वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा? अगर आप सोनेट का HTX+ वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ से आपको गाड़ी में 6 एयरबैग मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। उसी के साथ जो इनका 4.2 इंचेस का सेंटर में कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसकी मैंने काफ़ी बार बात करी है, वो अब आपको HTX वेरिएंट से ही मिलने लग जाएगा। तो वहाँ पर देखिए ना कि किया इंडिया ने अपने कंपटीशन को थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए फीचर्स को लोअर वेरिएंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से देने लग गई है। हाँ, प्राइस बढ़ा है कि बेस मॉडल की ही अगर आप बात करें तो करीब 20,000 रुपये का प्राइस बढ़ चुका है। उसी के साथ मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो लेदरेट वाला फंक्शन चाहिए था गाड़ी में, या फिर जो सेमी लेदरेट सीट काफ़ी लोग पसंद करते हैं, अब वो आपको जो HTE वेरिएंट है, इनके जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसी से मिलने स्टार्ट लग जाएंगे। मैं कहूँ कि जो लोगो है सोनेट का, जो आपको वीडियो में भी देखने को मिल पा रहा है, वो भी आया हुआ है, और जो आपका स्टेयरिंग व्हील है उसमें जो डी कट वाला स्टेयरिंग व्हील है और जो पीछे टेलगेट है वहाँ पर भी थोड़ा सा जो लोगो है उसको अलग बनाने की कोशिश की गई है, जिससे आपको पसंद आता है ज़रूर। अब देखते हैं कि क्या क्या वेरिएंट वाइज इसमें अंतर आ गया है। तो मैंने कहा कि पहले तो आपको जो नई सोनेट है उसमें सेल्टोस की तरह ही 2 नए कलर इनने ऑफर करे हैं। पहला है इसका इंपीरियल ब्लू कलर ऑप्शन, जो कि मैं कहूँ कि बेस वेरियंट में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको HTK+, HTX,
STX Plus और GTX Plus इन वेरिएंट में बना के दिया गया है। उसी के साथ जो स्पार्कलिंग सिल्वर है ये आपको बेस वेरिएंट में मिल जाएगा। तो दोबारा से जैसे मैंने कल भी बात करी थी कि जो सेल्टॉस के बेस वेरिएंट ले रहे हैं उनमें सबकी बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ मिल जा रहा है, वो यहाँ पर भी है। HTE से मिलने स्टार्ट हो जाएगा स्पार्कलिंग सिल्वर, फिर वो STK में भी मिलेगा, K प्लस में भी मिलेगा, X में भी मिलेगा, X प्लस और GTX प्लस में भी ऑफर किया जाएगा। अब जो ब्रांड का नया लोगो आया है वो लोगो तो सभी में देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बेस में दे दिया टॉप में नहीं है, तो सब में मिलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसी के साथ जो नया किया कनेक्ट का लोगो है वो अब आपको HTX प्लस और GTX प्लस में भी मिलेगा। अब नया किया कनेक्ट का सिर्फ लोगो ही नहीं है, पूरा किया कनेक्ट का आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसमें काफ़ी कनेक्टेड कार फीचर्स भी आपको दिए जाएंगे। और जो एक्साइटिंग फीचर मैंने कहा कि किया इंडिया कर रही है अभी अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए या फिर उनको चैलेंज करने के लिए कि ये करके दिखाओ, तो वो जो टॉप मॉडल में पहले फीचर देती थी अब वो लोअर में भी ला रही है नीचे की ओर, और कीमत में उतने बड़े बड़े इजाफे नहीं कर रही है। तो देखिए जो साइड एयरबैग थे पहले से आपको GTX प्लस में मिलते थे केवल, अब आपको बेस से दे दिए जा रहे हैं। उसी के साथ जो इनका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम था कि आपके टायर की कितनी हवा का प्रेशर है, वो अब आपको बेस मॉडल से मिल रहा है, जो कि पहले आपको HTX प्लस मॉडल से मिलता था जो कि बहुत ऊपर के वेरिएंट्स है। उसी के साथ जो कर्टेन एयरबैग्स है जो कि पहले सिर्फ GTX प्लस में आते थे, अब वो आपको HTX प्लस में भी मिलेंगे और GTX प्लस में भी मिलेंगे। कीमत की भी बात करेंगे आगे। और उसी के साथ जो ESC, VSM, ब्रेक असिस्ट और हिल असिस्ट कंट्रोल, वो पहले आपको HTX में मिलता था, X प्लस में मिलता था और GTX प्लस में मिलता था, लेकिन अब आपको HT, K प्लस, IMT, ओनली IMT में मिलेगा। ये मैनुअल वाला सिस्टम इसमें नहीं है, तो सेल्टॉस के मुकाबले थोड़ा सा इसमें यहाँ कमी रह गई। अब ये भी है कि गाड़ी थोड़ी छोटे साइज़ की है तो यहाँ पर जो ब्रांड का प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू जैसे सेल्टॉस एक मिड साइज़ SUV है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट बनता है ब्रांड का और वो फीचर ज़्यादा हाथ खोल के दे पाती है। यहाँ पर थोड़ा छोटी गाड़ी है तो थोड़ी दिक्कत रहती है। K प्लस में IMT मिलता है, उसी के साथ जो HTX है, उसी के साथ जो HTX प्लस है, फिर GTX प्लस है, तो वहाँ तो ऊपर मिलता ही है, लेकिन K प्लस में IMT आता है क्योंकि वो दे सकते हैं आपको। और जो नया जो कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बीच में ड्राइवर साइड है 4.2 इंचेस का, वो पहले आपको HTX प्लस में और GTX प्लस में ही मिलता था केवल, अब आपको HTX में भी मिलेगा, X प्लस में भी मिलेगा और GTX प्लस में भी दिया जाएगा। अब जो सेमी लेदरेट सीट्स है जो थोड़ा प्रीमियम फील करवाती है आपको, वो पहले से आपको HTK से मिलनी स्टार्ट होती थी, फिर K प्लस में भी मिलती थी, लेकिन फिर X में जाके बदल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा किया है कि HTE में भी दे दिए हैं। पहले आपको बेसिक फैब्रिक वाले दिए जाते थे ई में, अब बेस में भी दिया है, तो इंजॉय करिए, यह भी सही है। उसी के साथ रियर सीट जो बैक है फोल्डिंग करने के लिए नॉब है, वो आपको X प्लस में मिलता था और GTX प्लस में मिलता था, लेकिन यहाँ देखेंगे तो अब स्टैंडर्ड कर दिया है, तो उतना बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की और कैसी प्राइसिंग इन्हें रखी हो, कितने वेरिएंट मिलते हैं। अब जैसे आपकी जो नई सोनेट है वो तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला है इनका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, ये आपको i20 में भी मिलेगा, वेन्यू में भी मिलेगा, सोनेट में भी मिलेगा। अब इनकी अगर बाद में रियो लॉन्च होती है तो उसमें भी दिया जाएगा। इसकी कीमत स्टार्टिंग है 7,15,000 रुपये शोरूम, पहले ये आता था 6.95 लाख रुपीस का, तो करीब 20,000 रुपये का डिफरेंस आ चुका है। तो 20,000 रुपये के डिफरेंस में क्या क्या ये दे रहे हैं आपको, कुल मिला के आपको सीट्स आपको थोड़ी सेमी लेदरेट देने लग गए हैं, उसी के साथ जो आपको दो एक्स्ट्रा एयरबैग दिए हैं वो थोड़े ज़्यादा आपको एक सेफ्टी कवर दे पा रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म वही है, प्लेटफॉर्म में कोई छड़ाखानी नहीं की गई है। उसी के साथ ये सिर्फ ई वाला जो पेट्रोल है ये मैनुअल में ही दिख रहा है, और जो के वाला है देख सकते हैं आप, वो भी आपको मैनुअल में बना के दिया गया है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। के प्लस भी मैनुअल में है। अब के प्लस में मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर आपको 9,05,000 रुपये में मैनुअल है, और IMT अगर आप लेना चाहते हैं तो 9,99,000 रुपये में है। 6-speed का IMT रहेगा, वो जो 1.0 TGDI इंजन है उसके साथ है। सारी प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं, कहा ना मैंने तीन इंजन है इसमें, 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 TGDI जो कि टर्बो गैसोलीन है, 120 हॉर्स पावर बनाता है। और उसी के साथ जो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये डीजल वाला ऑप्शन है जो कि 1.5 डीजल है, जो सेम है आपको अगर आप चाहते हैं i20 या फिर वेन्यू या फिर इनमें, लेकिन ट्यूनिंग का डिफरेंस है बस। उसी के साथ अगर आप डिज़ाइन के सारे लेआउट को भी समझने की कोशिश करें तो कैसा सारा लेआउट रहा है, फ्रंट से भी देखेंगे तो फ्रंट से कोई बड़े बड़े चेंजेस नहीं है, वही सारा जो एक प्रीमियम फ्रंट है, जो मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है।
अगर हेडलैम्प्स की भी आपने बात करी वो भी सिमिलर है, अगर आप फ्रंट का पूरा प्रोफाइल ग्रिल एरिया या फिर जो जीटी लाइन अभी हमारे सामने है जिसमें कुछ रेड इंसर्ट्स मिलते हैं ऐसा कुछ देख सकते हैं। सनरूफ का साइज़ अभी भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर में मैंने कहा कि जहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में नीचे जहाँ पर डी कट होता है सोनेट लिखा रहता है उसके फॉन्ट को थोड़ा सा मैं कहूँ कि अलग किया गया है, कुछ बड़ा अपग्रेड नहीं है, थोड़ा सा फॉन्ट को अलग करा है। मेरी नज़र में जो पहले लिखा हुआ आता था वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। और स्टेयरिंग में सारे डिज़ाइन वही है। अब क्योंकि ये टॉप मॉडल दिखा दिया है और सारे जो फीचर बदल रहे हैं ना, ये हो क्या रहा है कि जो टॉप मॉडलों में फ़ीचर मिलते थे इन्होंने बस बेस मॉडल तक उन्हें लाने की कोशिश करी है, क्योंकि इंडिया में अभी जो बेस मॉडल वाले मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। वही जो सुजुकी इंडिया में लॉन्च होगी या फिर जो आपकी ब्रेज़ा आने वाली है नई वाली, वो भी यही करेंगे कि बेस मॉडल में बहुत अच्छे फीचर देने वाले हैं। तो फ़ायदा कस्टमर का ही है, जहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन आएगा फ़ायदा हमें ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसका आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। हर एक वेरिएंट की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर मैं कोई कटौती नहीं करूँगा, तो आप भी कटौती मत करिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव मुझे बताइए। सोनेट का आपने लोगो देख लिया होगा, थोड़ा सा कर्वी बनाया गया है, उतना ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है, काफ़ी लोग इसको नोटिस भी ना कर पाए। और किया का वही प्रीमियम लुकिंग लोगो दिया गया है, लेकिन गाड़ी है, अगर कहिए अगर आप सेफ्टी के हिसाब से तो ठीक है, दो एयरबैग बढ़ा दिए है बेस मॉडल में, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से भी देखे जाए तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो किया है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक वाला इंक्रीमेंट नहीं किया है कि लोग को सोचना पड़े, अच्छा खासा मैनेजेबल है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी मेरा कहना यही है कि जो आपकी सेल्टॉस है वो इस गाड़ी से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी, और जिस हिसाब से प्राइसिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप देख सकते हैं साइज़ का, अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़रूर सेल्टॉस को लीजिए, परफॉर्मेंस भी उसकी ज़्यादा बेटर रहती है इस गाड़ी के मुकाबले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप मारुति की नई ब्रेज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़े ओपिनियन बताइए कि क्या मारुति को अभी से करते हुए चलना चाहिए, ताकि आपको बाद में निराशा ना हो कि मारुति ने ये ऑफ़र नहीं करा, वो ऑफ़र नहीं करा, तो आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, गुड बाय।